ऑपरेशन दोस्त, ये नाम है तुर्की में भारत के बढ़े हुए मदद के हाथ का। जी हां, तुर्की की तबाही में फंसे जिंदगी को बचाने में भारत के जांबाज भी आगे बढ़कर इंसानियत को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं और हिंदुस्तान के इस हौसले ने मातम में डूबे तुर्की के लोगों को राहत की सांस दी है। और तबाही के इस मंजर को देखकर पिघल गए हिंदुस्तान ने जैसे ही इंसानियत का हाथ बढ़ाया तो उसे ऑपरेशन दोस्त नाम दे दिया। तुर्की में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि मलबे के ढेर से जिंदगी को कैसे तलाशा जाए। तब ये मोर्चा संभाला हिंदुस्तान से इंसानियत की हिफाजत के लिए तुर्की की जमीन पर पहुंचे जूली और रोमियो ने। हम लोग इस समय NDRF की टीम के साथ हैं और दो लोग जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस रेस्क्यू ऑपरेशन में रही है, जूली और रोमियो, स्निफर डॉग स्क्वाड का हिस्सा है और यहाँ पर जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तबाही के मलबे से जिंदगी को तलाशने का इन जाबाज सिपाहियों का तजुर्बा और हुनर काबिले तारीफ है। भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया की भारत ने खुलकर मदद की, जिसके बाद दोनों पीड़ित देश भारत को दोस्त कहकर पुकार रहे हैं। NDRF की टीम जहां लोगों को बचा रही है तो सेना ने हताय में एक अस्पताल खोलकर तुर्की के लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया है। ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत तुर्की और सीरिया की पूरी जी जान से मदद कर रहा है। मदद की इसी भावना से आम हिंदुस्तानी भी तुर्की लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनमें एक नाम दीपेंद्र भी है जो तुर्की में देवदूत बनकर भूकंप में बेघर हुए लोगों को राहत दे रहे हैं। हेलो, मैं दीपेंद्र, मध्य प्रदेश से, और ये हमारा रेस्टोरेंट है और जो अर्थक्वेक से पीड़ित हैं उन लोग के लिए हम लोग खाने का अरेंज कर रहे हैं और सब हमारे होटल में रुके हुए हैं और होटल में हमने फ्री अकोमोडेशन दिया है और उसके बाद अभी खाने के लिए रेस्टोरेंट भी किया है जिसमें हमारे शेफ लोग लगे हुए हैं और ये हमारा खाना सब अभी सर्व हो रहा है इधर पे सब लोग बैठे। दीपेंद्र तुर्की में नमस्ते इंडिया नाम से रेस्तरां और टिकाया केव नाम से होटल चलाते हैं। उनका होटल और रेस्तरां कपाडोकिया शहर में है जो भूकंप के केंद्र से 250 किलोमीटर दूर है। प्रभावित इलाकों में खाने पीने की भारी कमी होने की वजह से दीपेंद्र के होटल में शरण लेने और रेस्तरां में खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। फिलहाल उनके होटल में 30 लोग ठहरे हुए हैं और 60 लोग रोजाना खाना खा रहे हैं। 10 साल में तुर्की में रहने वाले दीपेंद्र अपने भाई के कहने पर लोगों की मदद का काम शुरू किया है। दीपेंद्र का कहना है कि तुर्की को अपना वह दूसरा घर मानते हैं, इसलिए ये उनका फर्ज है। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ और बुरहानपुर में मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है जो कि औरंगाबाद से, जो कि ताज का इंस्टीट्यूट है। होटल मैनेजमेंट के बाद मैंने शेफ की नौकरी करी है जो कि माय फर्स्ट जॉब वाज विथ एन अमेरिकन चेन कोजी रेस्टोरेंट्स इन दुबई। सीरिया और तुर्की में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। मरने वालों की संख्या 21,000 के पार चली गई है तो आपदा में मारे गए लोगों का इस तरह से सामूहिक अंतिम संस्कार करना पड़ा। ऑपरेशन दोस्त के तहत सोमवार को भूकंप आने के 12 घंटे बाद ही भारत की तरफ से पहली फ्लाइट तुर्की के लिए रवाना की गई। इसके अलावा 100 सदस्यों वाली NDRF की टीम तुर्की में बचाव के काम में जुटी है। 99 स्पेशलिस्टों वाली मेडिकल टीम ने हाताय में 30 बेड के अस्पताल शुरू किए जहां 2400 घंटे इलाज किया जा रहा है। अब तक राहत सामग्री भरे 6 C-17 विमान तुर्की पहुंच चुके हैं। तुर्की की तरह सीरिया में भी भारत सरकार ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं, जहां पर लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप पर दुख जताने के अलावा दोनों देशों की हर संभव मदद का ऐलान कर चुके हैं। अब ये सारी जिम्मेदारी उन जाबाज सिपाहियों के कंधों पर है जो ऑपरेशन दोस्त को कामयाब करने के लिए जी जान से जुटे हैं। गौरव सावंत, हाथाय, तुर्की आज तक।